Hello everyone. In this particular video, I'll discuss you the concept and technique of calculating standard deviation from grouped data. हम ग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना यहाँ पर विद शॉर्ट मेथड हम इसको सीखेंगे. तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन माइनस सी स्क्वायर. ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है आई इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, दिस इज सिग्मा एफ एक्स जो है दिस इज टोटल स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ अज्यूम्ड मीन, मतलब स्क्वायर डेविएशन अगर इसकी बात करें तो. सी इज करेक्शन. हेयर आई वॉन्टेड टू इंक्लूड वन थिंग, एक्स जो है स्मॉल एक्स इज दिस इज ऑलवेज बींग कैलकुलेटेड और बींग रिटन वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट डेविएशन. जब कभी भी आप डेविएशन की बात करते हैं तो आप इस तरीके का स्मॉल एक्स का इस्तेमाल करते हैं या इसका नाम लेते हैं. बट जब स्मॉल एक्स होगा इस तरीके का तो वो एक्चुअल मीन मेथड से जब डेविएशन कैलकुलेट हम करते हैं तो दिस स्मॉल एक्स इज बीइंग कॉल्ड. और अगर आपका ये वाला होता है एक्स बनाकर ऊपर ही होता है तो इसको एक्स प्राइम बोलते हैं. ठीक, इसको बोलते हैं एक्स प्राइम. एक्स प्राइम जो है वो अज्यूम्ड मीन से, जब डेविएशन आप कैलकुलेट करते हैं अज्यूम्ड मीन से तो आप इसको कहते हैं एक्स प्राइम, इसको बोला जाता है. ये ध्यान रखिएगा एक्स इज कॉमन बट एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन में डिफरेंस इज देयर. नाउ दिस इज द सेम फॉर्मूला जो हमने लॉन्ग मेथड में कैलकुलेट करा था, सेम फॉर्मूला है. इन दिस वे दिस क्लास इंटरवल्स विल बी गिवन टू यू और आपके पास एफ रहेगा फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे. मिड पॉइंट आप सबको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था लॉन्ग मेथड में सभी क्लास इंटरवल की जो मिडिल वैल्यूज होती है उसको कहते हैं मिड पॉइंट. नाउ देन नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट स्मॉल एक्स, एक्स इज डेविएशन जैसे मैंने बताया. तो इसमें क्या करेंगे, ये 10 क्लास इंटरवल है. इन 10 अमंग दीज 10 क्लास इंटरवल्स जैसे नॉर्मल करते हैं हम एक मिड वैल्यू को ले लेते हैं 0 और उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और नीचे की तरफ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4. इस तरीके से आप बीच वाले क्लास इंटरवल, क्योंकि ये 10 थे तो मैंने 4 ऊपर और 5 नीचे छोड़ दिए हैं और एक क्लास इंटरवल को जो ये वाला है 65 to 69 इसको हमने 0 मान लिया है, इसको स्टैंडर्ड मान करके हमने ऊपर 1 2 3 4 लिखते चले गए हैं. हेयर नो नीड टू राइट प्लस का साइन, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां प्लस का साइन बनाएं, लेकिन माइनस में आपको साइन बनाना जरूरी होता है. दिस इज मैंडेटरी पार्ट. तो आप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5. नाउ नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट एफ एक्स प्राइम. अब इसको आप एफ एक्स प्राइम पढ़ेंगे तो यह क्या है एफ एक्स. एफ एक्स मीन्स एफ का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ. ये हो गया देखिए 4 1 4, 3 1 3, 2 2 4, 3 1 3, और यहां पर आपके एड वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज खत्म हो गई हैं तो 0 के ऊपर यहां पर किनारे एक आप ऐसे स्लैंटिंग लाइन टेढ़ी लाइन ड्रॉ करके यहां पर इसका पूरा एड करके यहां पर जोड़ दीजिएगा तो इसको एड करके वी हैव गॉट प्लस 14 एज वैल्यू. नाउ इसी तरीके से आप नीचे के माइनस को कर लेंगे और माइनस वाले भी सबको एड करके आपकी वैल्यू आ गई है -29. तो अब आप क्या करेंगे, जो आप जब सिग्मा निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स दिस इज सॉरी ये एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा नहीं होगा क्योंकि सिग्मा मतलब तो एडिशन हो जाएगा. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज एफ एक्स प्राइम. एफ एक्स प्राइम में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े का आएगा. तो 29 में से 14 प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस कर आपने और जो साइन है वो बड़े का आएगा तो बड़ा 29 है इसलिए यहां पर -15 आ गया. नाउ इन नेक्स्ट कॉलम यू विल कैलकुलेट एफ एक्स प्राइम स्क्वायर. तो एफ एक्स प्राइम स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स प्राइम मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो अब यहां पर देखिए आप इसको एफ एक्स प्राइम का मल्टीप्लीकेशन आप एक्स से करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इस पूरी डिजिट को आप ऐसे नहीं करेंगे बल्कि इसका मल्टीप्लीकेशन आप देखिए कर देंगे. तो आपने यहां पर सिंपल 4 4 16, 3 3 9, 4 2 8 आपने कैलकुलेट कर लिया एंड यू हैव गॉट दिस आंसर. क्योंकि यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा
Yeah, तो आपको ये सेम आपको मिल गई है वैल्यू. और व्हाट इज दिस? दिस इज सिग्मा एफ एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 127 आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई. नाउ यू विल कैलकुलेट सी. सी मतलब होता है करेक्शन. इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ एक्स प्राइम अपॉन एन. तो एफ एक्स प्राइम आपका ये था 15 माइनस 15 अपॉन 30 इज इक्वल टू -0.5. फिर आप सी स्क्वायर निकाल लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो -0.5 का स्क्वायर जो है दिस विल बी -25, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लीकेशन माइनस से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, तो 0.25 आपके पास आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर का. नाउ यू हैव ऑल द बेसिक वैल्यूज एंड यू विल कैलकुलेट पुट ऑल द बेसिक वैल्यूज इन मेन फॉर्मूला. तो मेन फॉर्मूला था आपका एस डी इज इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स प्राइम स्क्वायर अपॉन एन माइनस सी स्क्वायर. आई क्लास इंटरवल आपका 5 है, सिग्मा एफ एक्स प्राइम स्क्वायर आपका ये 127 था, यहां से लिख दिया, एन आपका 30 है, सी स्क्वायर जो है वो आपका माइनस, मतलब ये तो माइनस को फॉर्मूले का आ गया है, सी स्क्वायर आपका है 0.25. तो ये आपने डिवाइड कर दिया, ये ऐसे इट इज रहा, फिर दोनों को माइनस करके अंडर रूट निकाल लिया और आपको 5 मल्टीप्लीकेशन 1.99 आपका आंसर आ गया है 9.95. सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम शॉर्ट मेथड. थैंक यू.